Welcome to Pro Tips. Please like, share and subscribe. तो 790 टूटता है, मैं फ्यूचर लेवल्स का जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर 790 का लेवल आज टूटता है तो एग्रेसिवली सेल करें, आपका स्टॉप लॉस भी छोटा रखे, 10 रुपए का यानी 800 पे स्टॉप लॉस रखे और इसे सेल करें, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे पैटर्न उभर के आ रहा है मुझे लगता है इवेंचुअली 790 तोड़ेगा और ये 760 और 755 की रेंज को अनफोल्ड करेगा, तो सेल टाटा कंज्यूमर एट दिस लेवल। 90 के नीचे बहुत क्लियरली खतरे की घंटी और तेजी से बजने लगेगी, 792-93 के आसपास इस समय फ्यूचर्स में, कैश में ऑफकोर्स यहाँ पर दबाव 790-89 तो लेवल्स कैश में दिख गए हैं। अच्छा रचना जी, टाटा कंज्यूमर की हम बात करें लेकिन लगे हाथ अगर टाटा मोटर्स पर आप एक व्यू दे सके, क्योंकि ये भी आज कमजोर है और हम सब जानते हैं टाटा कंज्यूमर ने 1% ही सही लेकिन प्राइस हाइक पास ऑन किया है पैसेंजर सेगमेंट में इनपुट कॉस्ट को ऑफसेट करने के लिए, लेकिन ये स्टॉक आज फिर 424 के आसपास, ये भी डे लो पर है जी। इसमें भी यहाँ पे पहला सपोर्ट जो नियरेस्ट बनता है वो 420 के आसपास बनता है, तो अभी नियर आज के लास्ट आवर में या तो कल के फर्स्ट आवर में ही ये काउंटर 420 तोड़ता हुआ हमें नजर आएगा फॉर वंस, एंड वो अगर रिसर्सिवली टूट गया तो फिर ये काउंटर ऑन द लोअर साइड 418-15 की तरफ भी जाता हुआ हमें दिख सकता है, अगर पूरी मार्केट ऐसे ही वीकनेस बनाती रही देन दिस कैन इवन ब्रेक 410। आप डीवीआर को भी शॉर्ट करेंगे क्या? सॉरी, टाटा मोटर्स के डीवीआर से भी एग्जिट करना है क्या? टाटा मोटर्स के डीवीआर की जहां तक बात है तो आई लव टू चेक दैट, आई हैवंट सीन दैट, गिव मी अ मोमेंट। के आसपास ये भी आज देखिए करीब करीब 3% नीचे, दोनों स्टॉक और डीवीआर में इक्वल गिरावट है जी। टाटा मोटर्स के डीवीआर की जहां तक बात है तो उसमें भी वीकनेस दिखाई दे रही है और यहाँ पे ये काउंटर जो है फिलहाल 212 के आसपास है, 210 पे यहाँ पे एक सपोर्ट है, अगर वो सपोर्ट भी टूट गया तो दिस काउंटर कैन ऑल्सो गो फर्दर लोअर टूवर्ड्स 200 और यहाँ पे ऊपर वाली साइड को अगर पोजीशन बनाता है तो 215 के आसपास टैसल होना चाहिए। टेलामोटर्स डीवीआर पे अगर आप देखें, ये व्यू आपने सुना अभी रचना जी का, और अभी कुछ देर पहले डिस्कशन शुरू किया था हमने जब टेलामोटर्स पे, उस टाइम बात मिस हो गई थी तो चलिए वो जो डिस्कशन था कंप्लीट हो गया। एक दो स्टॉक्स लेके आइए जो कि शायद कुछ डिफरेंट ही अंदाज में चल रहे हैं और जिन पे इस बाजार की टर्बुलेंस का कोई इम्पैक्ट नहीं है, और उसमें अगर आप देखें अदानी इंटरप्राइजेस है 2288 पे आके ट्रेड करता हुआ, मानस ये 2288 पे आपका एक हो गया अदानी इंटरप्राइजेस। सुबह आपको याद होगा हमने अदानी पोर्ट्स पे भी एक कॉल ली थी, आई थिंक आज नहीं वो ली थी हमने शुक्रवार को। अब अदानी इंटरप्राइजेस में 4 ज़्यादा है क्लोजर टू एक्सपायरी या फिर अदानी पोर्ट्स में, इन दोनों स्टॉक्स में से कोई ट्रेड अगर आप लेना चाहें तो प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिएगा एक बार। दोनों चार्ट अच्छे लगते हैं, अदानी पोर्ट्स की बात भी आज मॉर्निंग में हुई थी और अदानी इंटरप्राइजेस भी चार्ट पे अच्छे लगते हैं, हालांकि आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग मॉर्निंग में देखने को मिला लेकिन अब जिस तरह की रिकवरी अदानी इंटरप्राइजेस में देखने को मिल रही है, मेरा समझना है कि इस बार ये 2300 रुपए के हर्डल को क्रॉस करेगा और शायद 2350 से 2370 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर बिल्कुल खरीदारी करके चलनी है, करंट लेवल्स पर खरीदारी करिए, 2255 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और 2350 के टारगेट सेट करना है।